अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का हुआ आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। डीजल गाड़ियों पर 10% तक का एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की सिफारिश पर गडकरी की सफाई, कहा सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण, दी 141 पीएम श्री स्कूलों की सौगात। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा विभाग के कार्यों को तेज करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिले जुले प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर, पौड़ी और चंपावत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 141 विद्यालय का उद्घाटन भी हुआ। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली किश्त 18 करोड़ 23 लाख राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से मिल चुकी है। आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं, उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है, आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, इसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है, वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों को और तेज कर रही है। इसी के तहत भाजपा लगातार प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर बैठकें कर रही है। भाजपा संगठन ने आज टिहरी लोकसभा सीट की बैठक में टिहरी लोकसभा सीट के सांसद के साथ सभी विधायकों और आगामी चुनाव पर चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में आने वाले चुनाव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भी चर्चा की गई है। खबर नई दिल्ली से है, जहां पूसा में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के अधिकारों को लेकर वैश्विक संगोष्ठी ग्लोबल सिंपोसिस ऑन फार्मर्स राइट का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस संगोष्ठी में दुनिया भर के 150 देशों के किसान और ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी किसानों के हितों को लेकर भारत में पहली बार आयोजित हो रही है। इसी कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान गोपाल दत्त उत्प्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनिया के पौधे की नई प्रजाति विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। बता दें कि ये किसान संगोष्ठी 12 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगी, जिसमें किसानों ने स्टॉल लगाकर अपने विशिष्ट कार्यों और उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसकी देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ सराहना कर रहे हैं। सियाम के कार्यक्रम में डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने के बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई भी प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने कहा कि हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज से डीजल इंजन वाली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में कमी करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि डीजल ऐसे खतरनाक ईंधन की वजह से बढ़ते प्रदूषण को कम करने और 2070 तक कार्बन नेट जीरो की प्रतिबद्धता हासिल करने और ऑटोमोबाइल की तेज ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि हम स्वच्छ और ग्रीन वैकल्पिक ईंधन की दिशा में सक्रियता से कदम उठाएं और उन्हें अपनाएं। ये ईंधन आयातित ईंधन के विकल्प होंगे, लागत प्रभाव होगी और देसी होंगे और प्रदूषण रहित होंगे। G20 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज है। वहीं अब इसको लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में लोकसभा का और विधानसभा का एक साथ चुनाव हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप सब जानते हैं कि देश में बिहार में चुनाव को लेकर नई हलचलें शुरू हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का
ये मानना रहा है, खास तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर, कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन की सरकार में विरोधाभास रह कर देखने को मिलता है, तालमेल का अभाव रह कर देखने को मिलता है, ऐसे में कब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाए, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।